पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबर है। मालदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने बूथ में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। इसमें तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जख्मी कार्यकर्ताओं को मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करवाया गया है। वहीं बीरभूम और नानूर समेत कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प होने की खबर है। इस झड़प में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से 300 से ज़्यादा शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं।